बलिया में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने की दम भर रही है। हालांकि अभी तक बलिया में किसी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नेटवर्क 10 की टीम ने जनता का मूड जाना। स्थानीय लोगों ने बेबाकी से अपनी राय दी। मौजूद है नगर पंचायत प्रदर्शन में, जहां जनता से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और उनका मूड क्या है इस बार। तो पहले भी से हमने बताया था कि जो है हम लोग का कैंडिडेट आने पर भी हम लोग फैसला करेंगे। ऐसे जो है तो क्षेत्र में जो है मतलब नाना प्रकार के लोग की चर्चाएं हो रही है, लेकिन कौन आ रहा है जब तक नहीं भी क्लियर होगा तब तक हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इससे पहले जो भरत सिंह जो वर्तमान सांसद थे वो हर चीज़ से अवगत करते थे, हर समस्या को लोगों को दुख सुख समझते थे। यहाँ तक लेकिन हमारे क्षेत्र रतन कला में जो है कुछ सड़कें बनवाए, कुछ बाईपास रोड बना। अब हम लोग का विकास तो चाहिए, हम लोग का जब तक आवागमन का साधन नहीं होगा तब तक जो है इस क्षेत्र का एरिया का विकास नहीं होगा। बाहर से लोग नहीं आएंगे, जब बाहर से लोग नहीं आए तो लोकल आदमी से विकास क्या होगा। यही सब मुद्दा है, यही सब बात है। क्या बीजेपी को वोट करेंगे आप? बीजेपी को वोट काहे नहीं करेंगे? बीजेपी जो है हर मानने में सक्षम है, हर चीज से सही खड़ा उतर रही है, वोट देने में क्या फायदा? अभी भी तो बीजेपी के प्रत्याशी में तीन लोगों का नाम चल रहा है, जिसका नाम बता ठीक है। तीन लोग आ रहे, तीन लोगों का वो 13 लोगों का आएगा, लेकिन जो सुप्रिया हम लोग समझेंगे, हम लोग अपना फैसला कर चुके हैं, लेकिन इस समय हम इसको घोषित नहीं करेंगे। स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे क्या है? सब जो है जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसमें सब हम लोग समर्थन ही कर रहे हैं, ऐसी बात है। क्या मुद्दे है और क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे? स्थानीय मुद्दे लोकल कुछ हैं, जैसे सड़क का सबसे आज तक कुछ काम लगा है, सड़क बन रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर या सरकार का जो काम है वो तो सब लोग देख रहे हैं। हर सरकार किसी सरकारों के अपेक्षा ही सरकार खड़ा उतर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हो रहा है, हर तरह ठीक है। बलिया में स्थानीय जो विकास हुआ है क्या संसदीय क्षेत्र? अब संसदीय क्षेत्र में अब जैसे हम लोग देखते हैं कि आवागमन का सुविधा है, सड़क का है। देखा जा रहा है कि युवाओं में काफ़ी नाराजगी है, कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारी पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारी तो है, लेकिन इसका समाधान कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। भाजपा तो कुछ कर भी रही है, अगर हुनर आपके पास है, योग्यता आपके पास है तो आप नौकरी भी ले लेंगे और अपने हुनर के द्वारा खुद अपना उद्योग अपना धंधा चला लेंगे, दो चार लोगों को रोजगार भी देंगे। खाने मुद्दे क्या है और सांसद जी ने यहाँ बलिया लोकसभा में कितना काम कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी का हमेशा से निर्देश रहा है अपने सांसदों के प्रति कि स्वयं जाकर के अपने क्षेत्रीय जो भी उनके क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वयं जाकर के जनता से मिलें और जनता के समस्याओं से रूबरू हों, विकास संबंधित क्या आवश्यकता है उस पर ध्यान दें। और जहाँ तक अगर कोई भी विकास से संबंधित हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हॉस्पिटल अच्छी हो, तो ये सबको सर्वहित में होगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करेंगे और जो भी हमारे आने वाले सांसद होंगे हम चाहेंगे कि सर्वहित सर्व समाज के लिए जो विकास होगा तो विकास होगा तो सबके लिए होगा, कोई अछूता नहीं रह जाएगा। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो सरकार अपने स्तर से मुद्रा लोन है, SME है, बहुत सारे उद्योग विभाग से संबंधित है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, बहुत सारे रोजगार तो दे ही रही है स्वावलंबी बनाने के लिए हमको दे रही है। लेकिन जहाँ तक सरकारी नौकरियाँ की सवाल है तो सरकार आप भी विचार कर सकते हैं कि कहाँ सरकार के पास उतनी रोजगार है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी को जो राष्ट्र से संबंधित और पूरे विश्व में जो उनका सारी पूरे विश्व को एक अपना परिवार मान के प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ सांसद के लिए रोष है जनता में, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि यहाँ सांसद तो हम चुन देते हैं लेकिन कभी भी रत्सन नगर पंचायत में नहीं आते। अखिलेश चौधरी, नेटवर्क 10, बलिया।